हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पैटीज जिसमें मैंने साबूदाना और रॉ बनाना दोनों का यूज किया है। इसके लिए साबूदाना जो पहले से भिगोया हुआ है, कच्चे केले उबाल के रखे हुए हैं, कटी हुई प्याज, नमक, गर्म मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैदा और ऑयल तलने के लिए। सबसे पहले बनानास को अच्छे से मैश कर लेंगे। जब ये मैश हो जाएंगे, इसमें भीगा हुआ साबूदाना निचोड़ कर डाल देंगे। अब इसमें सब मसाले मिक्स करेंगे, कटी हुई प्याज, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर और 2 चम्मच मैदा। मैदा मैंने बाइंडिंग करने के लिए लिया है। अब इन सबको मिक्स करके हम इसकी पैटीज बनाएंगे। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसकी छोटी छोटी पैटीज बना लेंगे। इस तरह से जब सारी पैटीज तैयार हो जाएंगी, उसको गरम तेल में तल लेंगे। स्लो आंच पर तलेंगे और जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, तब तक इनको पलट पलट कर तलते रहेंगे। हम कच्चे केले से फलाहारी पैटीज भी बना सकते हैं। फलाहारी पैटीज के लिए आप उसमें साबूदाना, कच्चा केला, फलाहारी नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया और काली मिर्च पाउडर डालकर इसी मेथड से बना सकते हैं। इन सबको मिक्स कर देंगे, फिर पैटीज बनाकर तल लेंगे। फलाहारी पैटीज भी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ये हमारी पैटीज रेडी हो चुकी हैं, कलर एकदम ब्राउन आ चुका है। अब इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी की सभी पैटीज भी तैयार कर लेंगे और इसको हरे धनिये की चटनी या सॉस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। फलाहारी पैटीज भी आप हरे धनिये की चटनी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए यह पैटीज कैसी लगी।